वेलकम अगेन फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय लिया है आप लोगों को बताने का। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी हैं इस विषय पे और काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये बताएं कि एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा में कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है, कौन सा हमें कराना चाहिए, और इसके अलावा जो भी नेचुरोपैथी के दूसरे ऑप्शन हैं, चाहे फिजियोथेरेपी की बात करें, डाइट की बात कर लें, चिरोप्रैक्टिक होती है या दूसरे और भी कुछ तरीके होते हैं, एक यूनानी पद्धति होती है जिससे भी इलाज होता है, तो इनमें से कौन सा बेस्ट होता है, हमें किस पे इलाज कराना चाहिए। अब जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनको तो इस पैथी के बारे में कोई डिटेल में जानकारी रहती नहीं है, और बाकी जो लोग रहते हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं। स्पेशली जो इसकी प्रैक्टिस करता है वो दूसरे वाले को बुरा बताता है। तो मेरा क्या सोचना है और आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मेरा एक जो ओपिनियन है वो पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए है ना। तो ये वीडियो किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की बात है, ना तो झगड़ा करने की बात है। जो पेशेंट है उनके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है कि कौन सी पैथी ठीक है या कौन सी पैथी में इलाज करवाना चाहिए, कि उनको इलाज वो कहीं पे भी जाके किसी भी पैथी से करा सकते हैं, लेकिन उनकी जो इलाज के बाद जो असर है, बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, इसको हम आजकल नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो बहुत तरह की जांचें होती हैं और लक्षणों के द्वारा, जैसे आपको कहीं पे दर्द हो रहा है, आप किसी भी पैथी में इलाज कराओ, अगर दर्द में आराम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको दवा ठीक है, सूट कर रही है। कहीं पे कुछ गठान है वो कम हो रही है, इसका मतलब है कि दवा आपको सूट कर रही है, दवा से आपका इलाज हो रहा है। या आप काफ़ी तरह की जाँचें हैं, खून में बहुत तरह की जाँचें होती हैं, सीटी स्कैन है, सोनोग्राफी है, एमआरआई है, और भी दूसरी तरह के जाँच के ऑप्शन हैं। तो आप जब भी किसी भी पैथी को चुने, और डॉक्टर कितना भी फेमस हो, कितना रिलायबल हो, पहले आपकी जान बचा चुका है या किसी और की जान बचा चुका है, आँख मूंद पे इस बात पे आपको भरोसा नहीं करना है कि अब इनकी दवाई खाने के बाद मेरा ठीक ही रहेगा, आपको जांच कराते रहना है। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, जैसे शुगर की बात है, काफ़ी सारे लोग जो शुगर के पेशेंट रहते हैं उनको किसी ने बता दिया कि आप यहाँ पे चले जाएं, ये इस तरह की दवाई दे देते हैं जिससे शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो आप जाते हो, आप भरोसा कर लेते हो, दवा खाते हो, फिर दोबारा से जाँच नहीं कराते हो और अपने लक्षण का इंतजार करते रहते हो कि लक्षण के हिसाब से ही आप बीमारी को ठीक मान लेते हो। तो ऐसा ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि बीमारी हो, उसका लक्षण थोड़ा सा दब जाए, लेकिन बीमारी एकदम से ठीक नहीं हुई है और वो जांच में पता चल जाएगी। जैसे कि किसी को थायराइड की समस्या है, आप किसी भी पैथी में इलाज कराओ पर अपनी थायराइड की जांच समय समय से कराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि दवा का असर आया कि नहीं, लीवर खराब है, किडनी खराब है, कहीं पर पथरी बन गई है, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं इनके दवाइयों के असर को हम मेजर कर सकते हैं। यही आपको करना है एज ए पेशेंट, आपको यही करना है। बोलने वाले लोग काफ़ी तरह की बातें करेंगे, जो प्रैक्टिस करते हैं वो अलग तरह की बातें करेंगे, आम पब्लिक अलग तरह की बातें करेगी, स्वदेशी है, विदेशी है, फलाना है, ढिमाका, इसमें भटकाएगी। लेकिन जो पेशेंट होता है उसको सिर्फ अपने शरीर से मतलब होना चाहिए और उसकी बीमारी ठीक हो जाए। ये जो स्वदेशी विदेशी का चक्कर है ये इतना सही होता नहीं। वैसे मैं एक बात आपको बताऊं कि एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये सारी पैथी, इनका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इंडिया में सारी लीगल हैं, इनके मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, राइट। लेकिन इसमें जो जिस चीज़ की प्रैक्टिस करता है उसको अच्छा बोलता है। जैसे मैं एलोपैथिक कहूँ और अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मार्केट में बैठा हूँ, तो मैं एलोपैथी को अच्छा बोलूँगा, तभी तो ज़्यादातर लोग मेरे पास आएंगे। आयुर्वेदा वाले आयुर्वेदिक को अच्छा बोलेगा क्योंकि तभी उसके पास पेशेंट जाएंगे, और होम्योपैथी वाला होम्योपैथी को अच्छा बोलेगा तभी लोग उसके पास जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा है, समाज सेवा तो कर नहीं रहा है, सारे बिजनेस ही कर रहे हैं। और पैसे कमाने के जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे वो डायरेक्ट पेशेंट से कंसल्टेशन फीस लेना हो, जांचों में उनका कुछ हिस्सा रहता है, दवाइयों में हिस्सा रहता है, पेशेंट को रिफ़र करते हैं तो हिस्सा रहता है, तो कोई दूध का धुला है नहीं, काम तो सारे एक जैसे ही कर रहे हैं। तो आपको इन चक्करों में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। इलाज आप किसी से भी कराएं, अपने लक्षण को देखते रहें और जांच के द्वारा भी बीमारी को आप ट्रैक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने बोला कि आपको ये दवा साल भर खाएंगे तब असर आएगा, 6 महीने खाएंगे, 8 महीने खाएंगे, किसी भी पैथी में इतना समय ना दें, 1-1.5-2 महीने खाएं उसकी दवा, इलाज के दौरान जांच कराते रहें समय समय पे। अगर इलाज के दौरान जांच में लक्षण में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि दवा काम कर रही है। तो इस तरीके से हमें करना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल नहीं समझना है कि ये स्वदेशी है, ये विदेशी है। वैसे एलोपैथिक की बात करूँ तो उसको विदेशी नाम से माना जाता है, बोला जाता है, लेकिन रिसेंट में जितनी भी तरह की दवाइयाँ या बहुत तरह के और जो मैकेनिज्म, ऑपरेशन के तरीके, ये सब बने हैं, सारे इंडियंस लोगों ने खोजे हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस होती है और हम बाहर इसको सप्लाई करते हैं। तो एलोपैथी विदेशी बोला जाता है, लेकिन मोस्टली अब जो रिसर्च वगैरह होती है वो इंडियंस काफ़ी सारे कर रहे हैं और हमारे देश में दवाइयाँ वगैरह भी काफ़ी बनती हैं। और ऐसे ही होम्योपैथी की बात करें तो ये होम्योपैथी एक काफ़ी तरह की दवाइयाँ हैं जो बाहर से भी आती हैं, और इसकी जो डिस्कवरी है वो बाहर ही हुई थी, जर्मनी में
और वहाँ से आई जर्मन दवाइयाँ भी काफ़ी होती हैं। आयुर्वेदा में बात करें तो आयुर्वेदिक के जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसा लगता है कि इंडियन है, लेकिन अगर आप उनके रूट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें तो इतने 100 साल पहले या इतने 1000 साल पहले बाहर से आईं, कुछ उसमें मसाले हैं बाहर से आए, कुछ और दूसरी चीज़ें बाहर से आईं। तो ये स्वदेशी विदेशी और ये सारी चीज़ें हैं नहीं, सारे लोग बिजनेस ही कर रहे हैं। जो स्पेशली पेशेंट है उनके लिए वीडियो है कि आप इसके चक्करों में बिल्कुल ना पड़े कि ऐसा है ये वैसा है, आपका शरीर बीमार है, उसको हमें ठीक करना है किसी भी हालत में। तो आप किसी के पास भी जाएं, लेकिन आपको लक्षण या जांच में आपकी बीमारी में सुधार होना चाहिए। आखिरी में एक बात जरूर मैं बोलूँगा, मैं तो ऐसे एलोपैथिक चिकित्सक हूँ, एलोपैथिक डिग्री MBBS MD मेरे पास है। एलोपैथी का एक ये है कि इसमें जो एविडेंस बेस्ड जो मेडिसिन है, एविडेंस इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा रिसर्च वगैरह होती है। इमरजेंसी की कोई भी सिचुएशन हो, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया है या BP बढ़ गया है, हार्ट अटैक आया है, लकवा मार गया है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, चोट लग गई, हड्डी टूट गई है, तो या निमोनिया हो गया है या सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल में ही जाना होगा एलोपैथी के, क्योंकि उसकी दवाइयाँ तेज़ी से काम करती हैं, इसलिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। इमरजेंसी सिचुएशन में तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी अगर आपको कोई क्रोनिक इलनेस है जिसमें इमरजेंसी नहीं है, तो आप किसी भी पैथी का ट्राई करते रहें, सारी पैथी अच्छी हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं बोल सकते, सबका अपना अपना तरीका है ट्रीट करने का, अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं। तो एक बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चन है आप लोग पूछते हो और काफ़ी सारे लोग इस पर लड़ते भी रहते हैं, तो मरीज़ को तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लोग लड़ते रहें उनका काम ही ये है। थैंक यू।